नवरात्रि के पांचवा दिन स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिहार के समस्तीपुर जिले के विधान प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में नवरात्रि के पांचवा दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना वैदिक मंत्रोच्चार से की गई। नवरात्रि में विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना का विधान है। सखवा दुर्गा मंदिर पर बनारस से आए आचार्य साकेत झा व वैदिक विकास मिश्रा ने कहा कि मां दुर्गा का ये स्वरूप नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मां अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। वाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। कहते हैं इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है। सखवा चौक स्थित मनोकामना पूर्ण दुर्गा मंदिर में प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। माँ दुर्गा पूजा समिति सखवा के अध्यक्ष रामानंद यादव ने कहा कि पूजा को लेकर समिति के सभी सदस्य सक्रिय हैं। प्रतिमा को अंतिम रूप देने में कलाकार लगे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण श्रद्धा के जनसैलाब में कमी आ गई थी, पर इस बार लोगों में काफी उत्साह है। संध्या के समय आरती करने के लिए वर्तियों के साथ साथ दूर दराज के कुमारी कन्या, महिलाएं, पुरुष, बच्चे आ रहे हैं। यहाँ की दुर्गा पूजा में रावण दहन का कोई कार्यक्रम किया जाता है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पी न्यूज़।